टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है सभी बच्चों के लिए। जो बच्चे छठी क्लास में हैं, सेवेंथ क्लास में हैं, एट्थ क्लास में हैं, नाइन्थ क्लास में, टेंथ में या उससे ऊपर भी हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक को जानना सभी बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है। अगर कोई बच्चा इसके बारे में जानता है तो वो इससे रिलेटेड जो भी सवाल आते हैं वो बच्चा इस तरीके से इजीली सॉल्व कर पाता है। तो आइए हम आपको वो टॉपिक बताते हैं। उस टॉपिक का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या बीजीय व्यंजक, या फिर हम इसको अगर हम नाइन्थ और टेंथ क्लास में जाते हैं तो हम पॉलिनोमियल के नाम से ये चैप्टर आते हैं। बात वही है लेकिन अलग अलग क्लासों में इनके नाम अलग अलग दे दिए गए हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आपके दिमाग के अंदर होना चाहिए कि अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ रहे हैं तो यानी कि हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं तो यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ रहे हैं, तो दोनों का मतलब सेम है। आपको समझ में होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल यानी कि नाम अलग अलग है, चीज एक ही है। ठीक है जी। तो आज हम आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बताना चाहते हैं। तो यहां पे सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं बीजीय व्यंजक अथवा बहुपद। आज का हमारा टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड और पॉलिनोमियल, बीजीय व्यंजक अथवा बहुपद। ये नाम अलग अलग है लेकिन चीज एक ही है, तो आपको पता होना चाहिए। तो आइए हम आपको इसकी बेसिक नॉलेज आपको आज हम बताते हैं कि इसकी बेसिक नॉलेज क्या है, यानी कि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। तो आप हमारे साथ में बने रहिए और बेसिक कॉन्सेप्ट इसके हमारे साथ में आप सीखिए। सबसे पहले बीजीय व्यंजक के बहुपद कहते किसे हैं? सबसे पहला जब हम बीजीय व्यंजक के बहुपद पढ़ रहे हैं तो ये होता क्या है? तो यहां पर बीजीय व्यंजक या बहुपद उसे कहते हैं यानी कि जहां पर चर और अचर संख्या सम्मिलित हो, उस संख्या को बीजीय व्यंजक कहा जाता है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे कि चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपको यहाँ सबसे पहले यही बताते हैं, सबसे पहले हम बताते हैं चर, दूसरे नंबर पर अचर। अब इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? चर को कहते हैं वेरिएबल, क्या कहते हैं? वेरिएबल। और अचर संख्या को कहते हैं कांस्टेंट। अब आपको वेरिएबल और कांस्टेंट, ये यानी कि चर को इंग्लिश में वेरिएबल और अचर संख्या को कांस्टेंट कहते हैं। यहाँ पे वेरिएबल मतलब क्या होता है? वेरिएबल जिसको हम बदल सकते हो, चेंजेबल। वेरिएबल मीन्स यानी कि चेंजेबल, जिसकी वैल्यू यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुछ भी, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकती है, यानी कि चेंज कर सकते हैं। लेकिन कांस्टेंट मीन्स यानी कि फिक्स्ड वैल्यू, जो फिक्स है, जिसकी वैल्यू जितनी दी हुई है वो फिक्स है, तो वो कहलाती है अचर। अब सबसे पहले एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों को चर और अचर की एक एग्जांपल आपको बताता हूँ आपके जीवन में, यानी कि जो आपके मम्मी पापा हैं या आपके बहन भाई हैं, सगे बहन भाई है और मम्मी पापा जो आपके हैं वो हैं अचर, यानी कि कांस्टेंट हो गए, यानी कि वो कभी बदले नहीं जा सकते। उनकी वैल्यू जो है वो वही रहेगी, मम्मी मम्मी रहेगी और पापा आपके पापा ही रहेंगे और बहन आपकी बहन ही रहेगी और आपका भाई आपका भाई ही रहेगा, यानी कि वो फिक्स है आपकी लाइफ में। लेकिन चर की बात करें तो चर यानी कि आपके फ्रेंड्स हो गए, आप यहाँ हैं आज, आप दूसरी जगह यानी कि चेंज कर होते हैं, तो यहाँ के फ्रेंड आप यहीं छोड़ देंगे, दूसरी जगह जाएंगे और नए फ्रेंड बनाएंगे, तीसरी जगह जाएंगे नए और फ्रेंड बनाएंगे, चौथी जगह जाएंगे तो और फ्रेंड बनाएंगे। तो यानी कि वो बदलते रह सकते हैं, फ्रेंड बदल सकते हैं, लेकिन मम्मी पापा नहीं बदले जा सकते हैं। तो ठीक है, तो आपको मुझे लगता है कि ये एग्जाम्पल आपको जरूर याद रहेगा। तो यानी कि चर यानी कि आपकी ए बी सी डी यानी कि सोन अप टू जेड तक, यानी कि आपकी जो ए बी सी डी है उनकी जगह यानी कि कोई भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। लेकिन कांस्टेंट में अगर आपके पास में 10 का नोट है तो 10 का ही नोट रहेगा, 10 का नोट है तो 10 का ही रहेगा, 5 का है तो 5 का ही रहेगा। आप ये नहीं है कि 10 के नोट को 5 में चला दें या आप 5 के नोट को 10 में चला दें, नहीं चला सकते ना। तो ये फिक्स वैल्यू है, ये फिक्स्ड वैल्यू है तो फिक्स रहेंगी। ठीक है जी, तो यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, यानी कि सोन अप टू ये एक्सेट्रा, ये माइनस में भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकती है, यानी कि जो परिमेय संख्या है। लेकिन अपरिमेय संख्या में जो पाई होती है, पाई जो होती है उसको हम इसमें सम्मिलित नहीं करेंगे। ठीक है जी, तो अब हम आपको आगे बताते हैं इसका, यानी कि चर और अचर के बारे में आप सीख चुके हैं। इसके बाद में हम आपको बताते हैं गुणांक। गुणांक क्या होते हैं? कॉफिशिएंट, नंबर 3 पहला नंबर आपको बता रहे हैं गुणांक। गुणांक इंग्लिश में कहते हैं कॉफिशिएंट, गुणांक यानी कि कॉफिशिएंट। अब कॉफिशिएंट के बारे में आपको पता है कि कॉफिशिएंट यानी कि किसी भी चीज का उसको छोड़कर यानी कि जो उसके साथ में है वो उसका कॉफिशिएंट होगा। गुणांक यानी कि किसी नंबर के साथ में जो जिस नंबर का पूछा जाएगा इसका कॉफिशिएंट क्या है तो उस नंबर को छोड़ के उसके साथ में जो होगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बताते हैं, यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर जैसे हमने लिया 3x, अब यहाँ पे अगर हमसे पूछा जा रहा है कि x का कॉफिशिएंट क्या है, x का कॉफिशिएंट कहा जा रहा है तो x का कॉफिशिएंट जो हुआ है वो 3 हमारा कॉफिशिएंट हुआ, यानी कि गुणांक हुआ हमारा इसमें 3। समझ आई बात? अब एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे यहाँ पर 5xy कहा, 5xy। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि y का गुणांक क्या है, y का गुणांक क्या है, y का गुणांक क्या है तो y को छोड़कर, y को छोड़ देना, उसके साथ में जो होगा वो उसका क्या होगा, गुणांक होगा। समझ में आया? अब आगे बात करते हैं चौथे नंबर पर, गुणांक यानी कि संख्यात्मक गुणांक। गुणांक की बात की थी हमने, अब यहाँ संख्यात्मक गुणांक। अब संख्यात्मक गुणांक को इंग्लिश में कहते हैं न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट, न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट, न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट। न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट क्या होता है, जैसे हमारे पास यही एग्जांपल हम ले लेते हैं 3x, तो इसमें न्यूमेरिकल नंबर कौन सा है, ये न्यूमेरिकल नंबर है, ये न्यूमेरिकल नंबर जो होगा ये हमारा न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट कहलाएगा। आगे जैसे ये 5xy है, इसमें न्यूमेरिकल यानी कि नंबर कौन सा है, सिर्फ ओनली 5 है तो इसका न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट ओनली 5 होगा। ठीक है जी, मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया कि ये न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट ओनली नंबर को देखना है कि वो नंबर जो होगा वो कहलाएगा न्यूमेरिकल। आगे हम बात करते हैं पद यानी कि टर्म। अब टर्म क्या होती है, यानी कि जो कि आपको इक्वेशन दी हुई है उस इक्वेशन के अंदर जहां भी प्लस माइनस का साइन आएगा या नहीं भी आ रहा है, जैसे अभी हमने 3x, इससे पहले 3x 5xy जो एग्जांपल लिए हैं, जैसे यहाँ पे 3x 5xy इस तरीके से, या फिर इस तरीके से हो सकता है 5x y। अब इस तरीके से यहाँ पे टर्म्स की बात की जा रही है, पदों की, यानी कि ये हमारा एक ही, इसके अंदर प्लस माइनस का साइन नहीं है तो यहाँ पे एक ही पद है यानी कि एक ही टर्म है, यहाँ पर भी प्लस माइनस का साइन नहीं है तो यहाँ पर भी एक ही टर्म है यानी कि वन टर्म ओनली, यानी कि एक ही पद है। यहाँ पर प्लस माइनस का साइन आ रहा है यानी कि एक साइन आ रहा है तो यानी कि एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, कितनी टर्म हो गई, यहाँ पर 2 टर्म हो रही है, यहाँ पर एक टर्म हो रही है, यहाँ पर भी एक टर्म हो रही है। लेकिन अब हम कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर हमने ये एग्जाम्पल ले लिया तो इसमें कितनी टर्म हुई, कितनी हुई 3, 1 2 3, इसमें कितनी टर्म हुई 3 टर्म हुई तो यानी कि इसके अंदर 3 पद हैं। हम बात करते हैं समान पद। अब बात करते हैं समान पद की। समान पद क्या होते हैं? समान पद समान पद यानी कि जो हमारे पद दिए हुए हैं उनमें हमें बताना है कि ये समान है या असमान है। तो यहाँ पे एक वर्ड और जुड़ जाता है असमान, असमान पद। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, फिर उन्होंने बताता है कि समान कौन से है असमान कौन से है। जैसे हमने यहाँ पे 5x, 3x, 4xy, 5xy और यहाँ पे 5zx, इस तरीके से हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ले ली। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि समान पद कौन कौन से हैं। तो समान पद की बात की जा रही है, तो समान पद में यानी कि जिसमें वेरिएबल इक्वल हो, सिर्फ वेरिएबल देख रहे हैं। यहाँ वेरिएबल की बात करें, ये वेरिएबल और ये वेरिएबल, यानी कि यहाँ पर भी एक्स और यहाँ पर भी एक्स, ठीक है जी, यहाँ पर भी एक्स और यहाँ पर भी एक्स, यानी कि सिर्फ एक्स किसी और में भी है, ओनली एक्स, इसमें भी एक्स के साथ में वाई आ रहा है, यहाँ पे एक्स के साथ वाई आ रहा है, यहाँ जेड के साथ में एक्स आ रहा है। लेकिन हमने बात की सिर्फ ओनली एक वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल यानी कि वही सेम वेरिएबल आना चाहिए। अगर दूसरे वेरिएबल की बात की जा रही है तो दूसरा वेरिएबल उसके साथ में होना चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ ओनली एक्स एक्स आ रहा है, तो यानी कि यहाँ पर ये दोनों की दोनों हमारे क्या हुए, समान पद हुए। अब यहाँ पर जैसे 4xy है या 5xy, तो हमें न्यूमेरिकल नंबर से कोई मतलब नहीं था, सिर्फ हमने वेरिएबल से मतलब था। यहाँ पर भी x x, y y, इधर ये दोनों टर्म सेम हो रही है यानी कि वेरिएबल सेम हो रहा है, यहाँ पे वेरिएबल अलग हो रहा है क्योंकि x तो है लेकिन z अलग हो गया, तो यहाँ पर सेम नहीं है, तो इसलिए सिर्फ ओनली ये टर्म्स हो गई हमारी दोनों की दोनों, ये भी हो गई समान, और ये जो अलग बची ये हो गई असमान। तो ये टर्म हमारी हो गई असमान, यानी कि इनसे मिलती जुलती नहीं है, इनसे अलग है, यानी कि इनके वेरिएबल सेम नहीं है। जैसे इसके साथ में कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर हम 5xy, 5zx हमने ये ले लिया, तो इन दोनों में ये दोनों की दोनों यानी कि x तो मिल रहा है लेकिन इसके साथ में जो y है ये z से नहीं मिल रहा, इस पॉइंट से नहीं मिल रहा, z से नहीं मिल रहा, तो यानी कि ये दोनों बराबर नहीं है। जब ये समान नहीं है तो ये लाइक टर्म है, यानी कि ये अनलाइक टर्म हो गई। समान पद को लाइक टर्म और इसको अनलाइक टर्म कहते हैं, ठीक है जी। मुझे लगता है आप लोगों की समझ में आ गई। इसके बाद में अभी हमें समान पद और असमान पद की बात की, अब हम बात करते हैं आगे, थोड़ा सा और चलते हैं, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी और बहुपद। यहाँ पे एक पदी, एक पदी, एक पदी यानी कि मोनोमियल, ठीक है, मोनोमियल। दूसरा द्विपद के हैं, द्विपद बायोनोमियल, बायोनोमियल। तीसरा त्रिपद यानी कि ट्राइनोमियल, और फोर्थ है हमारा यानी कि जो हमारा बहुपद के हैं, कौन सा है, बहुपद, जिसको कहते हैं पॉलीनोमियल, ठीक है जी। अब एक पदी कौन से होते हैं, द्विपदी कौन से होते हैं, त्रिपदी कौन से होता है, बहुपदी कौन से होते हैं। एक पदी जिसमें ओनली एक टर्म होगी वो एक पदी, जिसमें दो टर्म होंगी द्विपदी, जिसमें तीन टर्म त्रिपद, और जिसमें चार टर्म या पांच, चार से ज्यादा, चार हो या चार से ज्यादा हो, वो कहलाएगी बहुपद। यानी कि जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल ले लिया 4x, 5x, 6y, यहाँ पे 10, ये सारे के सारे एक पदी में हुए। द्विपद में यानी कि जैसे आपका 4x प्लस में 1 हो गया, 5x प्लस में 3 हो गया, 6y प्लस में 6 हो गया, एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, यानी कि 10 प्लस में x हो गया, यानी कि ये सारे के सारे इनमें दो दो टर्म हैं, तो यानी कि ये सारे के सारे एग्जाम्पल हमारे द्विपद के हुए, यानी कि दो दो टर्म हैं, ठीक है जी। आगे हम यहाँ पे 4x जमा के 1 प्लस में 5xy, ठीक है, कॉमन 4y जमा के 5x जमा के 1, इस तरीके से कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। तो ये यानी कि यहाँ पे तीन टर्म हैं, एक, दो और तीन, यहाँ पर भी एक, दो, तीन। तो ट्रिग्नोमियल में तीन टर्म होंगे, यानी कि जहां पर प्लस या माइनस के दो साइन आ रहे हैं तो वहां पर तीन टर्म होंगी, जहां पर एक साइन आ रहा है वहां पर दो टर्म होंगी, जहां कोई भी साइन नहीं आ रहा तो वहां पे एक पद ही होगी, यानी कि मोनोमोनियल होगी। अब बहुपद में यानी कि तीन से ज्यादा पद जिस टर्म के अंदर आते हैं, जिस इक्वेशन के अंदर तीन से ज्यादा पद आते हैं, टर्म्स आती हैं, उनको कहलाते हैं बहुपद। जैसे यहाँ पे हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, 5x जमा के 4y प्लस में 6z प्लस में 2, इस तरीके से कोई भी हमने एक एग्जांपल ले लिया है। तो ये जो टर्म हो गई ये हमारी, यानी कि इसके अंदर जो टर्म है, यानी कि 1 2 3 4, हमने चार टर्म यहाँ पे लिए हैं। तो चार टर्म यानी कि चार टर्म हो या चार टर्म से ज्यादा हो तो वो कहलाएंगे बहुपद, यानी कि तीन से ज्यादा वाली सारे के सारे, तीन पद से ज्यादा जिनमें टर्म है वो सारे के सारे कहलाते हैं बहुपद। इसके बाद में हम आपको बताते बात करते हैं फैक्टर की, यानी कि गुणनखंड यानी कि फैक्टर इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर, हिंदी में कहते हैं गुणनखंड। अब गुणनखंड की बात करें, जैसे हमने अभी यहाँ पे एग्जांपल लिए थे, जैसे 4x लिया, इसके गुणनखंड क्या होंगे? इसके गुणनखंड यानी कि यहाँ पर हम इसको अगर तोड़ते हैं तो यानी कि इसका मतलब हुआ 4 गुणा के x, यानी कि इसके गुणनखंड के इसके फैक्टर किए तो यानी कि फैक्टर करने पर 4 गुणा के x हो गया, तो इसके फैक्टर ये हुए। अब यहाँ पे कोई और एग्जाम्पल ले, जैसे हमने यहाँ पे 5xy लिया, इसके फैक्टर क्या हुए? 5 गुणा के x गुणा के y, यानी कि ये तीनों नंबर्स जो इस तरीके से लिखे हुए हैं यानी कि वो तीनों के तीनों एक दूसरे के क्या है? मल्टीप्लाई में है। तो इसका एक मेथड होता है यानी कि ट्री मेथड जिसको कहते हैं, यानी कि पेड़ आरेख इसको जो है पेड़ आरेख से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे 4x लिया, 4x को अगर पेड़ आरेख से रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए इस तरीके से हमने दो लाइनें खींची और 4 हमारा यहाँ पर आ गया, x हमारा यहाँ पर, यानी कि पेड़ ट्री मेथड इसको कहते हैं। अब यहाँ पे 5xy को अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पे हमने इस तरीके से 5x और y, ये ट्री मेथड के अनुसार हमने इसके फैक्टर कर दिए अलग अलग, यानी कि इस तरीके से अभी हम इनको फैक्टराइज करके बता सकते हैं पेड़ आरेख द्वारा, यानी कि इसको कहते हैं ट्री मेथड। अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल में, जब हम बात करते हैं यानी कि 9th और 10th क्लास में जाते हैं तो हम बात यहाँ पर सबसे पहले रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन, हमने एग्जाम्पल लिया 4x प्लस में 1 और 5y प्लस में 2। तो यहाँ पर जहां यानी कि x की पावर यानी कि जो वेरिएबल है उसकी पावर सबसे बड़ी पावर अगर 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाती है, यानी कि यहाँ पर भी x की पावर 1 है और यहाँ पर y की पावर 1 है, यानी कि किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 1 होती है तो वो क्या कहलाता है? आपका लीनियर इक्वेशन यानी कि रैखिक समीकरण कहलाता है। फिर आता है द्विघात समीकरण सेकंड नंबर पर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि x² + bx + c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, यानी कि द्विघात समीकरण की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है हमारी ये। इस पे हमने एग्जांपल लिया है जी 4x² + में 5x जमा के 6, ये इसका एक एग्जांपल हमने लेकर आपको बता दें कि इसमें सबसे बड़ी पावर कितनी है? 2 है, यानी कि अगर जिसकी पावर सबसे बड़ी पावर 2 हो तो वो कहलाएगा हमारा द्विघात समीकरण। त्रिघात समीकरण में यानी कि जो यानी कि क्यूबिक इक्वेशन यानी कि सबसे बड़ी पावर, इस इक्वेशन के अंदर यानी कि वेरिएबल की पावर देखी जाती है, वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर कितनी है? 3। इन पावर्स को जो सबसे बड़ी पावर होती है इसको डिग्री भी कहा जाता है, यानी कि सबसे बड़ी घात। आगे है द्विवर्ग समीकरण। द्विवर्ग समीकरण यानी कि बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि जिसमें सबसे बड़ी पावर अगर हमारी 4 है तो वो कहलाती है हमारी बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन। मुझे लगता है कि ये सवाल यानी कि जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पॉलिनोमियल यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के आपको बताए हैं आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये समझ में आ चुके हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसकी अपडेशन आपको साथ के साथ मिल जाए और आप हमारी वीडियो को देख सकें। और इसका नेक्स्ट पार्ट यानी कि जो अगला पार्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं यानी कि जमा घटाए गुणा भागे यानी कि वो हम आपको लेके आएंगे, तो आप हमारे साथ में उस वीडियो तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ में। आप सभी का धन्यवाद।